तो यार यहाँ पे देखिए सारे प्लेयर हमारे ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे किसी किसी को सर्दी लग रही है लेकिन वो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए पूरे पूरे यहीं पे बैठे हैं यार, क्योंकि धूप में जा नहीं सकते क्योंकि पर बंधे हुए। और ऊपर ये क्या हो रहा है, जंगली कबूतर जा रहा है यार। और हमारा जंगली कबूतर आज भी नहीं आया, मैं आपको बताना चाहता था। देखिए कितने सारे जंगली जा रहे हैं। ओ भाई भाई निकल गए निकल गए निकल गए। तो देखिए कितने सारे जंगली जा रहे थे, तो मैं आपको बताना भूल गया, हमारा जंगली है ना आज भी नहीं आया। देखिए यहाँ पे अब मुश्किल है वो आए, मुझे लग रहा है। ये देखिए इसकी फीमेल अकेली बची है यहाँ पे, ये देखिए इसके बच्चे भी दोनों अकेले बैठे हैं यहाँ पे, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है ना हमारा जंगली कबूतर फिर से नहीं आया, टोटल उसे 3 से 4 दिन हो गए, मुझे पता नहीं है यार। जब से है ना उसकी फीमेल ही टेक केयर कर रही है अकेली, और मैंने जंगली पिजन को जब से नहीं देखा जब से उसके बच्चे निकले हैं। जिस दिन से उसके बच्चे निकले हैं ना उस दिन से ही वो गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ उड़ गया, कुछ पता नहीं चल रहा। तो या शायद ऐसा भी हो सकता है अगर वो जाता तो वो आ जाता वापस, या फिर उसे किसी ने पकड़ लिया, या फिर उसके साथ कुछ और मसला हो गया है। तो अब जो भी हुआ है हमें तो पता नहीं है यार भाई, अब वो इसकी फीमेल को ही टेक केयर करना पड़ेगी। लेकिन यार फीमेल भी कब तक टेक केयर करेगी उसकी, क्योंकि ये अकेली हीट नहीं दे पा रही है। फीडिंग तो करवा देती है लेकिन हीट नहीं दे पा रही है। तो आपको शेयर करना है इनके बारे में मुझे, क्या इनकी फीडिंग वीडिंग के बारे में क्या प्रोसेस होती है वो आपको मुझे शेयर करना है। और ये भी शेयर करना है इनको हीट कैसे दें, सब कुछ आपको शेयर करना है। जंगली कबूतर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, और बाजी कबूतर के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनकी फीडिंग और हीट सही से करवा रहे हैं, तो इसलिए वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये है ना हमारे जंगली कबूतर के बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना हीट मिल रही प्रॉपर, ना इन्हें प्रॉपर फीडिंग मिल रही है। तो इन्हें हमें ज़रूर इंशाल्लाह बड़े करना है यार, मतलब इन्हें मरने नहीं देना है हमें बिल्कुल भी। हमें अच्छे से टेक केयर करके बड़े करना है, और देखना है ये किस तरह के निकलेंगे यार। मुझे इनका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है यार बड़े होने का, लेकिन यार जंगली कबूतर ने जाके अच्छा नहीं किया यार। पता नहीं क्या हुआ, किसी ने पकड़ लिया क्या करा, हमें कुछ भी पता नहीं है। अभी यार काफ़ी जंगली कबूतर उड़ रहा है, शायद बुगले भी हों, बहुत ही सारे खेत में आ रहा है ना पानी दिल्ला, इसलिए जंगली कबूतर बुगले बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। और मैं अभी आपको काम भी दिखाऊंगा कितना काम हुआ है, हमारे मास्टर के साइड भी कुछ काम हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कितना काम हुआ है। और आज हम क्या करेंगे यार, जो हमारे कबूतर है ना उनको दाना डालेंगे जल्दी जल्दी से। और वो एक कबूतर है जो हम लेके आए थे फैंसी वाला ब्लैक वाला, तो उसके हमें पर निकालना है। हमने ध्यान नहीं दिया कि उसके पर निकालना है या नहीं, मतलब पर कटे हुए हैं उसके। तो हम क्या करेंगे, उन पर कटे हुए को निकाल के छोड़ देंगे उसे, फिर उसके न्यू पर आ जाएंगे ना, फिर वो उड़ने लगेगा। उसकी फीमेल के पर बंधे हुए हैं, उसके कटे हुए हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आज हम वो भी निकाल देंगे, और फिर क्या करेंगे हम कल इन्हें बिठा के देखेंगे छत पे। अगर ये इन्हें बैरी मैरी नहीं ले जाती है तो हम क्या करेंगे, इनके पर खोल देंगे पिजन के हमारे, और फिर ये आज़ाद घूमने लगेंगे। तो अभी क्या करते हैं, पहले दाना डालते हैं फिर पर निकालते हैं। तो यार अभी यहाँ पे देखिए मैंने दाना रखा हुआ, ये कितने भूखे कबूतर हैं यहाँ पे। देखिए अभी अभी है ना शाम का खाने टाइम हो गया है ना, तो ये देखिए यहीं पर खाना खाने लगे। अच्छा आ देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अया आ जो जो बच्चे वाले पिजन है ना वो तो आ गए हैं। देखिए जिन जिसके बच्चे हैं क्योंकि उन्हें बच्चों को खिलाना रहता है, और देखिए इनके देख देख के सभी आ गए हैं। अया आ इसके अंदर ही खाने लगे हैं, तो मैं डाल देता हूँ। लो लो डाल दिया है, ये देखिए इसके पर बने, ये भी आ गया है। और शायद जंगली कबूतर उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है यार ऊपर, मुझे बार बार परछाई दिख रही है ना, मैं सोच रहा हूँ जंगली कबूतर आ गया शायद हमारा। तो अब देखेंगे पता नहीं क्या उड़ रहा है, चील उड़ रही शायद, क्या उड़ रहा है, बुगले हैं यार। मैं देख रहा था पता नहीं क्या उड़ रहा है यार ऊपर, मैं बार बार जब से जब भी आपसे बोल रहा था ये बुगले उड़ उड़ के जा रहा है, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पिजन भी अच्छे से दाना वाना खा रहा है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए जंगली कबूतर के बच्चे यार, ये देखिए इनकी किसी किसी के मतलब एक है ना बच्चा उसकी है ना आइज़ ओपन हो गई हैं, और एक की आइज़ ओपन नहीं हुई है। मैं आपको आज बाहर रख के दिखाता हूँ यार, पहले थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ईंट पर रख देते हैं यहाँ पर इनकी फीड। अरे यार दाना कम है, दाना खिलाने लगी है, मतलब देखिए फीड बहुत ही ज़्यादा कम है यार। तो क्या कर रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि यार इनको हैंड फीडिंग देना चाहिए हमें, ऐसे तो ये मुश्किल बच पाए। नहीं तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम इसे बाजी कबूतर के नीचे रख दें यहाँ पे। ये देखिए बाजी कबूतर के बच्चे, देखिए आप यहाँ पे देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। इसको क्या हो गया, फीड खिलाने लगे हैं ये। ये देखिए ये भी कम कम खिला पा रहे हैं बेचारे यार, क्या ही है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। ये भी कम कम खिला रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार इनके नीचे रख दें, थोड़ी बहुत फीडिंग ये खिलाई देंगे, या फिर हमें जो पाल लीजिए आता है एक बिस्कुट आता है उसका घोल बना के इन्हें हमें खिलाना चाहिए हाथ से। देखिए ये देखिए इनको दोनों को एक साइड मुंडी करके रख देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, एक काम कर दाएं 100 दाने डाल देना इन्हें। ये देखिए यहाँ पूरा दाना साफ़ कर लिया है इन्हें, क्योंकि बच्चे हैं ना इनके, इसलिए देखिए पूरे हैं दांश के पीछे जाने लगेंगे। अब देखिए दाएँ लाइन जा रहा है ना वो, इसलिए भूखे रहते हैं कबूतर, इसलिए शाम के टाइम पे ऐसा करते हैं ये। ये देखिए हैंड,
दाना खिला रही है या नहीं खिला रही यार। ये अभी है ना कम कम दाना खिलाना शुरू करा यार इसने, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन बाद से हम इन्हें हैंड फीडिंग देना शुरू करेंगे। अभी तो देख लेते हैं कितना दाना देती है, खिलाती भी है नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही, खिलाएगी भी है नहीं। एक की आँख खुली है बस, एक की आईज ओपन हुई है और एक की हुई नहीं है यार। और इनकी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है क्योंकि इनके माँ बाप दोनों पाल रहे हैं मिलके, और इनकी तो आपने देखी ली होगी ग्रोथ कैसी हुई है। देखिए माशाल्लाह यार बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी ग्रोथ हुई है, कलरिंग बहुत प्यारी आई है इसकी देखिए। ओ भाई ये तो मेल ही यार मुझे 100% लगता है, और ये तो मेल ही लगता है मुझे ये भी। देखिए ये इसको बाहर नहीं निकाला बहुत दिनों से मैंने, आज निकालता हूँ चेक करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए, लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो रही है। ये देखिए डरता बहुत है यार, ये देखना अबे यार डरता नहीं है, काटता है। तो जैसे भी अंदर बंद कर देते हैं जल्दी से हम। यहाँ पे देखिए ये भी अंदर गया, इसकी यार टेंशन लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी, तो इसकी भी हमें ना कुछ जुगाड़ करेंगे। और आपको शेयर करना है क्या क्या जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे, हैंड फीडिंग मेडिंग जो भी आप बोलेंगे वो हम करेंगे। लेकिन बचाना है हमें इन कबूतर के बच्चों को, बस यही है। ये वाले जो जंगली कबूतर के बच्चे हैं ना, इनको हमें बचाना है कुछ भी करके, क्योंकि हमें इनके बच्चे देखना है यार। और ये हैंड ट्रेंड हो जाए शायद हमें हैंड फीडिंग दे, तो आपको बताना है कमेंट में, जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे। और यहाँ पे एक कबूतर था जिसके मुझे पर निकालना थे, ये वाला, तो इसको मैं आराम से पकड़ लेता हूँ। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पकड़ लिया है, पकड़ने इसके पर निकाल देते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे है ना इसके पर है ना निकालना है मुझे, क्योंकि इसके यहाँ पे कुंदे रह गए हैं। ये देखिए कटे हुए पर है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होंगे। हम यही सोच रहे थे यार कितने दिनों से पर इसके बढ़ के हो नहीं रहा है, मैं एक बार ये चेक कर लूँ इसकी खून की कलियाँ तो नहीं है, एक भी खून की कली नहीं है, सब पुरानी कलियाँ हैं। तो मैं अब आराम से जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, लेकिन काफ़ी मज़बूत कलियाँ हैं यार इसकी, और बाकी पिजन से नहीं, तो बाकी पिजन की जल्दी जल्दी निकल जाती हैं। जल्दी जल्दी इसमें खींच देता हूँ इनकी कलियाँ। तो यार यहाँ पे देखिए मैंने पूरे पर निकाल लिए हैं इसके, अब देखिए ये छोटा सा बच्चा टाइप का लग रहा है क्योंकि उन्होंने पूरे पर काट दिए थे, हमें पूरे निकालना पड़े, नहीं तो इसके ओवर पर बाकी उगते ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी छोड़ के, देखिए ये देखिए आप कैसा लग रहा है ये, अभी देखिए आपको छोटा सा बच्चा टाइप का लग रहा होगा। और यहाँ पे देखिए पर भी है ना मैंने पूरे निकाल दिए, तो यहाँ पे ही फैल गए पर भी। और अब मैं क्या करता हूँ आपको ऊपर काम दिखाने चलता हूँ यार कितना काम हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये कबूतर दाने के पास ही है, क्योंकि इन्हें दाना खाना है ना, तो वहाँ पर दाना फेंका रहता है, खाते रहते हैं दाने, कबूतर वहीं बैठे रहते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए काम हुआ था, ये देखिए ये उड़ के जा रहे थे यार इतनी देर के, मैं सोच रहा पता नहीं क्या जा रहा है क्या जा रहा है। ये बुगले हैं ना उड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाले वाइट जो बुगले होते हैं ना वो आपने देखे होंगे, और अभी शायद ये ऊपर बैठे हैं हमारे छत पे, आपको दिखाऊंगा मैं अभी करीब से। अभी ये देखिए यहाँ पे तराई भी नहीं हुई है यार अभी, तो यहाँ पे इसकी तो तराई भी करना पड़ेगी हमें। ये है ना वहाँ मास्टर केज की वो बन रही है नीचे से दीवार, यहाँ पे बस एक रद्दा और लगेगा, ये ईंट रहती है ना बस एक ईंट और ऐसी रखाएगी बस। ये देखिए इतनी रद्दा लग जाएगा ना तो ये लेवल में हो जाएगी इतनी, और इसके ऊपर फिर लगेगी जाली। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी मैं आपको फुल वीडियो दे दूँगा, आप टेंशन ना लें कैसे बनाइए कितना क्या मतलब खर्च मर्च तो पता यार बताऊंगा नहीं, लेकिन कैसा बना ये ज़रूर बता दूंगा आपको मैं। ये देखिए अभी बुगले बैठे थे यहाँ से उड़ गए, ये देखिए यहाँ पे तो उड़ जाने दो ने तो। और यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है मैं ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या चीज़ बन रही है। ये देखिए ये अलग ही चीज़ है, ये हमारे सेटअप में सबसे अलग चीज़ है ये मान सकते हैं आप, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए और यहाँ पर ये माशा की दीवार उड़ गई यहाँ पर, ये देखिए ये पार्टीशन हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला यहाँ तक जाएगा ऊपर तक, ऊपर पैक हो जाएगा, फिर यही बंद हो जाएंगे होल जो दिख रहा है आपको, यहाँ से भी पैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से है ना पैक नहीं करवा रहा है क्योंकि सुबह सुबह जो धूप आएगी ना ताज़ी ताज़ी वो इधर से ही आएगी, और हमारे परिंदों को लगेगी चिड़ियों को लगेगी तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और हमारे मास्टर केज के अंदर है ना हम पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार। और यहाँ पर ये देखिए इधर से देखिए आप, यहाँ से दीवार भी उठ रही है हमारी, ये वाली देखिए, तो यहाँ से हमारा रहेगा मुर्गियों का घर, असील मसील जो भी हमें लाना है मुर्गियाँ तो हम लेके आ जाएंगे वो। और यहाँ पे रहेगा फाउंटेन, इधर पे फाउंटेन, और मुर्गियों घर के ऊपर रहेगा रैबिट हाउस। तो वो देखते हैं यार मिस्त्री मजदूर आज सोच रहे होंगे आज आए नहीं है, तो आज नहीं आए यार, आज है ना दूसरी जगह पे गए हुए हैं वो काम करने, जो हमारा खेत है ना वहाँ पे गए हैं। मैं आपको बताऊँगा खेत पे भी यार क्या क्या बन रहा है, लेकिन इस चैनल पर नहीं दूसरे चैनल ओपन करूँगा उसके लिए भी, क्योंकि उधर फिश पाउंड बन रहा है बहुत ही बड़ा, मैं आपको बताऊँगा दूसरे चैनल पर। तो जब बने जाएगा ना पूरा जब बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, देख लीजिए अभी तो आप। तो आज वहां पे गए तो इंशाल्लाह कल या परसों से यहां पे आएंगे और फिर काम लगेगा यहां पे। तो अभी है ना थोड़ा बहुत हमें ही काम करना पड़ेगा, ईंट चढ़ाना पड़ेगी और रेत चढ़ाना पड़ेगी जो कि ख़त्म हो चुकी है, ये वाली रेत नहीं वो वाली रेत, देखिए वो अलग वाली रेत है पतली वाली और ये मोटी वाली है देखिए, तो हमें चढ़ाना पड़ेगी तो वो हम चढ़ा लेंगे यार, और ईंटें भी चढ़ाना है हमें तो वो भी चढ़ा लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया और नीचे जाने लगा था यार,
बोगले देखना थे हमें, तो जल्दी से बोगले भी देख लेते हैं छत पे बैठे हैं या नहीं। ये देखिए मैं यही देखना चाहता था। माशाल्लाह कैसे बैठे रहते हैं यार, हमारे बर्ड हाउस पे चिड़ियाँ ही बैठने लगी हैं, जंगली कबूतर घर पे देखिए, कबूतर घर भी वहीं पर रखा हुआ है अभी, क्योंकि छवाई होगी ना प्लास्टर और ये भराना है। ये सुराख दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा होगा, ये भराना है तो वो ही भरवाएंगे। जल्दी जल्दी से काम लगेगा, धीरे धीरे यार, अभी जैसे चल रहा चलने दो, इतना चल रहा है वही बहुत है हमारे लिए तो अभी। और जल्दी चलते हैं नीचे और देखते हैं। आपको जंगली कबूतर के बच्चे के बारे में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है मुझे, क्या करना चाहिए उनके साथ, दाना वाना सब खा लिया इनने, अभी ऐसे ही घूमेंगे इंशाल्लाह। इनके हम कल पर खोलेंगे, अगर बेरी नहीं ले जाती है तो इन्हें ऊपर बैठा कर देखेंगे क्या होता है इनके साथ। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है ना वीडियो को लाइक जरूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।